हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करेंगे। लेवल इम्पोर्टेंट है। आज 9 नवंबर है, मेंबर जून का वीडियो है। सुबह 8:30-35 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आने वाला ट्रेडिंग सेशन जो आज का, कल का और परसों का, 3 दिन होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज का दिन, आज एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस गैप अप पे, अगर आपको एज पर गैन एंगल एनालिसिस मेजर रेजिस्टेंस 18,300 और 18,340, ये मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा। 18,270 के ऊपर ट्रेंड अप रहेगा और 18,340 और 360 के रेंज में मिले तो वहाँ शॉर्ट भी करना चाहिए, इंट्राडे शॉर्ट करना चाहिए, जिसका टारगेट नीचे की तरफ 18,270, 18,230, 18,212 का हो सकता है। 18,212 से लेके 18,370 एक रेंज है। ऊपरी लेवल पे सेल अगर कर देते हैं 330 370 के जोन में, जो भी लेवल मिले वहाँ से 5 मिनट के चार्ट में देख लीजिएगा, 300 के नीचे ट्रेड करेगा तो क्लियर कट रिवर्सल मिल जाएगा। कम से कम 60 पॉइंट के लिए ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। गैप अप को हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये हो गया निफ्टी की बात इंट्राडे के पर्पज से। और याद रखिएगा 370 380 मेजर रेजिस्टेंस होगा। जब तक उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है हम सेल साइड अब नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अवॉइड करेंगे। अब रह गई बात बैंक, तो अब यहाँ से 370 और 175 के बीच में निफ्टी में भी कंसोलिडेट करें और स्मॉल कैप मिड कैप जो स्टॉक नहीं चले हैं उनमें ज़्यादा तेजी देखी जाएगी। सेम कहानी बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो लेवल होगा, एक लेवल तो आपका यहाँ से देखते हैं 41,600 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई है, 42,490, अब 42,230। जिन लोगों ने खरीदा है उनको 42,230 और 42,000 के ऊपर 42,130 से लेकर 230 के बीच में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और बहुत अच्छा शॉर्ट लेवल 42,300 के ऊपर है। या आप अगर चाहते हैं, अगर 230-300 के ऊपर नहीं जाता है, 230 के आसपास से गिरने लगता है, तो 42,000 के नीचे 300 पॉइंट की मंदी प्ले कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होगा कि 42,300 और 500 के बीच में मिले तो वहाँ बेचे और वहाँ पे कहीं ना कहीं कल तक मिल जाएगा। तो अवॉइड करेंगे आज बैंक निफ्टी को बेचने के लिए, क्योंकि 42,000 के नीचे 200-300 पॉइंट के लिए रिस्की हो जाएगा। 42,500 का एक जोन है जहाँ पे सेल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढा जा सकता है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी कल गिरेगा और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक हैं जो नहीं चले हैं, बार बार बोल रहा हूँ मैं, एक तो एक्सिस बैंक, ICICI बैंक में पुल बैक रैली आएगी। अब नेक्स्ट कोटक बैंक का भी लेवल मैं शेयर कर देता हूँ, जहाँ से जिसको बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है कोटक बैंक का फ्यूचर बाई करके हेज कर सकता है। डिस्क्लेमर याद रखिए, वीडियो एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर कुछ बेच रहे हैं तो उसके बदले कोटक बैंक को खरीद के काम कर सकते हैं। कोटक बैंक में आने वाले 10 दिन के अंदर में एक तेजी है। दूसरा स्टॉक BPCL में 312-13 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस है, कट जाता था 322 रुपये का टारगेट दिखेगा। आज सपोर्ट जो है 305 रुपये से लेके 308 के जोन में सपोर्ट है। ये रेंज बाई के लिए है। क्लोजिंग बेसिस पे 303-304 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करना चाहिए 314 और 318 के टारगेट के लिए। इंट्राडे और पोजिशनल 320 के टारगेट दिख रहा है। और मिड टर्म मतलब कि अगले 2-3 महीने के लिए स्टॉक 360 रुपये का टारगेट दिखता है। तो BPCL इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल दोनों, गैप अप खुलता है तो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक स्टॉक हो गया। दूसरा हम बात करेंगे, कोटक बैंक बोल रहा था, कोटक बैंक का लेवल निकाल लेते हैं, कहाँ पे बाई किया जा सकता है।
कोटक बैंक का 1980 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, ब्रेकडाउन लेवल है। सब रेजिस्टेंस 1890 के आसपास, 1895 के ऊपर चले, क्लियर कट 1810 और 1910 और 1920 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 1960 तक लेके जा सकता है। इसमें बहुत पोटेंशियल है। बैंक निफ्टी को 42,000 के ऊपर अगर होल्ड करा सकता है तो कोटक बैंक और प्राइवेट बैंक करा सकते हैं। अगले, और याद रखिए, शुक्रवार तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है जो ओवरबॉट स्टॉक में पोजीशन अगर आपका है तो। सिलेक्टिव स्टॉक चलेंगे, गिरावट का इंतजार करेंगे। सबसे सेफ्टी होगा 80% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जो नहीं चले हैं वो परसों तक चलेंगे। इंडेक्स में भी सेम कहानी है, कुछ व्यू चेंज होता है तो कल के वीडियो में और अपडेट करूंगा। फिलहाल मेरा व्यू शुक्रवार तक की तेजी का है, उसके बाद एक डिप आएगा और उस डिप को फिर से तेजी पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो वीकेंड के वीडियो में एनालिसिस करूंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्लेमर याद रखिए, वीडियो एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से।